दुनिया में सबसे ज़्यादा कलरफुल और एनर्जेटिक जो बर्ड्स हैं, मीडियम साइज़ के पैरट्स हैं, वो हैं हमारे लॉरीकीट्स। ये कलरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैल्कन बर्ड एवियरी में, और मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके प्यारे प्यारे से बर्ड्स बहुत ही हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी पैरट फैमिली के बहुत ही एनर्जेटिक और कलरफुल जो एक ब्रीड है उसके बारे में, लॉरीकीट के बारे में। दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और जानते हैं लॉरीकीट के बारे में। लॉरिनी, जिसे बहुत से हॉबीस्ट या कह लो कि बर्ड ट्रेडर्स या फिर बर्ड जो है वो ब्रीडर्स, वो इसे लॉरी भी कहते हैं। दोस्तों आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉरी और लॉरीकीट के बीच में एक डिफरेंस होता है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। एक लॉरी की जो बॉडी है वो बड़ी होती है और उसकी जो टेल है वो स्क्वायर और छोटे साइज़ की होती है। वहीं दूसरी तरफ देखें लॉरीकीट को, तो उसकी बॉडी छोटी और उसकी जो टेल है वो लंबी होती है और वो एंड में जाकर पॉइंटेड होती है। आई होप आपको लॉरी एंड लॉरीकीट के बारे में जो वो डिफरेंस है वो आपको पता चल चुका होगा। लॉरीकीट की जो 50 से ज़्यादा सब स्पीशीज़ हैं और हमारे 50% जो हमारे एग्जॉटिक पैरट्स या बर्ड्स हैं उनकी तरह, लॉरीकीट्स का जो ओरिजिन है वो भी ऑस्ट्रेलिया ही है। और इसकी जो लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 30 से लेकर 35 साल तक का, या अच्छी टेक केयर में 40 साल तक इसका जो है लाइफ स्पैन चला जाता है। और अगर इसके फिज़िकल मेजरमेंट की बात करें तो ये है 10 से 12 इंच तक बड़े होते हैं। ये तो था लॉरीकीट का फिज़िकल ओवरव्यू। तो अब बात करते हैं इनके स्वभाव यानी टेम्परामेंट की। हमारे लॉरीकीट जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और कहें तो हाईली एनर्जेटिक और एक्सट्रीमली सोशल होते हैं। लॉरीकीट जो हैं वो बहुत ही जल्दी इंसानों से घुल मिल जाते हैं। इन्हें खेलना और डांस करना बहुत ही पसंद है। अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से इन्हें ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही अच्छे एक कह लें तो टेम बर्ड बन जाते हैं, आपके एक अच्छे कंपेनियन बन जाते हैं। लॉरीकीट्स अपने पालने वाले गार्डियन या कह लो कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और उनसे इतना अटैच हो जाते हैं या उनको लेकर इतना पोजेसिव हो जाते हैं कि ये किसी और बर्ड को उनके पास देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ये उनसे लड़ भिड़ते हैं, चाहे फिर वो कॉकाटूज हो या फिर मकाउज ही क्यों ना हो। लॉरीकीट के बारे में एक आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होने की वजह से एक बहुत अच्छे एस्केप आर्टिस्ट होते हैं। मतलब कि जहाँ पे इनको कैद किया जाता है या बांध के रखा जाता है तो वो उस पिंजरे को बड़ी जल्दी खोलना सीख जाते हैं और वहाँ से फ्लाई कर जाते हैं। इनकी एक्टिवनेस की वजह से ये बर्ड्स जो हैं वो खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इनको जो है वो बड़े साइज़ का केज दें जिसमें ये बर्ड अच्छे तरीके से खेल सकें और फ्लाई कर सकें, अपनी एनर्जी को बाहर निकाल सकें। एंगेजिंग टॉयज़ बहुत ज़रूरी है इनको देना, जिससे क्या होगा कि आपका बर्ड बिज़ी रहेगा। इन्हें बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एस्केप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, ये अपना पिंजरा खोलने सीख गए तो पिंजरे से उड़कर भाग भी सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि आप अपने बर्ड्स को जो भी टॉयज़ देंगे वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, क्योंकि बार बार उन्हीं टॉयज़ से खेलकर आपका जो पैरेट है, जो आपका बर्ड है, वो जल्दी बोर हो जाएगा और वो स्ट्रेस में जा सकता है। अब इनके खाने की बात करें तो जो दूसरे पैरेट्स की तरह लॉरीकीट्स का जो डाइट एरिया है वो बहुत बड़ा या कह लीजिए कि सब कुछ खाने वाला नहीं होता है। इनकी डाइट वो बहुत ही लिमिटेड होती है और स्पेशल तरह की इनकी डाइट होती है।
लॉरीकेट जो है वो एक नेक्टार ईटर बर्ड है, मतलब कि ये जंगल में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के जो नेक्टार होते हैं वो खाकर ज़िंदा रहते हैं। मतलब ये लिक्विड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप एक लॉरीकीट रखना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं रखने के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी डाइट के लिए आपको मार्केट में स्पेशल ही लॉरीकीट का नेक्टार फॉर्मूला मिल जाता है, तो आप उसे गुनगुने पानी में मिलाकर अपने जो लॉरीकीट्स हैं उनको दे सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से फ्रूट्स भी हैं जो आप इन्हें दे सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया या मस्क मेलन हो गया, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, या फिर आप इन्हें शहद भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आप इन्हें शुगर केन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप इन्हें किन्नू और संतरा भी दे सकते हैं। लिक्विड खाने की वजह से इनकी जो पॉटी है वो बहुत ही पतली और कहें तो थोड़ी स्मेली भी होती है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। गाइस, अगर आप एक लॉरी पालने की सोच रहे हैं तो आप सिर्फ इनके कलर्स या फिर प्लेफुल नेचर या फिर इनकी इंटेलिजेंसी की वजह से इसे एज अ पेट ना रखें, क्योंकि इनकी जो स्पेशल डाइट है, स्पेशल डाइट का आपको स्पेशली ही ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, ये हाईली एक्टिव होते हैं तो आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक लॉरी रख तो लें लेकिन बाद में आपको उसके साथ खेलने का टाइम ना मिले या उसके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही ना हो आपके पास। तो आप प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएं और आपका जो लॉरी है वो भी स्ट्रेस में चला जाए। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खुद भी हैप्पी रहें और अपने बर्ड को भी खुश रखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो बर्ड लवर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, और कमेंट करके अपने सुझाव और अपनी क्वेरीज भी आप बता सकते हैं। और इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।